सनंद पत्री छोटी। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ये दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। प्रीतम मेरे प्राण के आप हक श्री जी साहेब महमक साहिब जमा अजल अल्लाह ताला फरजहु अल शरीफ। निज नाम इस्महु अना इस्महु अजल अल्लाह ताला महमतु फरज सलीम जहूर करदा मैं कुल शानी अर्श अजीम। अनाइस में हूँ महमत अजल अल्लाह ताला फरजहु अल शरीफ जहूर करदा इफानी मैं कुल अर्श अजीम। आप हक श्री जी साहेब महमत साहिब जमा का इरशाद ग्रामी है। ये वाकया उस वक्त का है जब हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में मुगल बादशाह आरमगीर औरंगजेब, जिसको रहमतुल्ला अलैह कहा जाता है, की हुकुमरानी थी। उसके वक्त में 12 मोमिन पैगाम इमामत क़यामत लेकर शरा तोरा की जालिम हुकूमत से टकरा गए, जिसके लिए बीतक साहिब के अंदर 105 नंबर और 107 नंबर चौपाई है। वो आयत है जो कुरान के दूसरे पारे से ली गई है। उसमें बयान आया है इज्जतु व जिल्लतु मन तशा, के इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तफसीर में बयान है कि आप तफसीर हुसैनी में बयान है कि परवरदिगार जिसको जिल्लत देना चाहे, जिल्लत का मतलब होता है बदनामी, जिसको वह बदनामी देना चाहे उसको दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं कि उसको इज्जत यानी कि शोभा दे दे, और जिसको परवरदिगार इज्जत बख्श दे यानी कि मान सम्मान और शोभा श्रृंगार बख्श दे, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं कि उसको रुसवा कर दे। रुसवा का मतलब होता है बदनाम कर दे, जिल्लत यानी कि बदनामी दे दे। तो ये कुरान की पहले पारे के, कुरान के पहले पारा अलिफ लाम मीम और सूरा 2 की आयत है। इसमें इरशाद ग्रामी है कि जिसको हम इज्जत देना चाहें उसको इज्जत बख्शते हैं, और जिसको जिल्लत देना चाहें उसको जिल्लत देते हैं, और जिसे हम जिल्लत दे दें उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिसे हम इज्जत दें उसे जिल्लत नहीं दे सकता, और जिसे जिल्लत दें उसे इज्जत नहीं दे सकता। तो कुल पर अख्तियार परवरदिगार का है कि रब क्या है। इन्ना लिल्लाहि कादिर, कि वो हर शय पर कादिर है, कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो दिन को रात करना चाहे दिन को रात कर सकता है, रात को दिन करना चाहे दिन को रात करना सकता है।
तो ये वाकया उस समय का है जब 12 मोमिन पैगाम लेके बादशाह औरंगजेब के दरबार में पेश होने के लिए गए, लेकिन उस वक्त के शरा तोरा के जो आलिम और फाजिल और मुफ्ती और मुफस्सरीन और जो दरबारी थे, उन्होंने बादशाह से मुलाकात होने न दी। शरा का काजी शेखुल इस्लाम, जो जिसको आज सुप्रीम कोर्ट का जैसे कहा जाता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस समय हिंदुस्तान में शरा तोरा का जो काजी थे वो शेखुल इस्लाम कहलाते थे, यानी कि जिनकी बात कही हुई इस्लाम के अंदर पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तो बहुत देर तक रद्दोबदल हो गई, वक्त चलता रहा। अभी पिछला महीना गुजरा है, आप लोगों ने बीतक साहिब की चर्चा सुनी, लेकिन अक्सर व पेशतर ये देखा जाता है कि फक्त सुनने पे ध्यान तवज्जो रहती है, उस पर अमल नहीं रहता। यही हाल मुफस्सरीन का है, यानी कि सुनाने वालों का है, उनका भी दारोमदार फक्त सुनाने पे रहता है। तो ये आयत करीमा जो कलाम मजीद से ली गई है, इसमें दो बात बिल्कुल साफ है कि हर चीज पर रब कादिर है। कादिर का मतलब उसकी कुदरत है, वो हर चीज पर अख्तियार उसका है। अब जब 12 मोमिन पैगाम लेके गए और बादशाह तक नहीं पहुंचा, तो ये भी राज्जी की मर्जी से नहीं पहुंचा। अगर राज्जी चाहते तो पैगाम अमल में आता, अगर पैगाम अमल में आता तो ये जागनी लीला इतनी लंबी ना खींचती। जैसा कि कहा गया, जब 12 मोमिनों को पैगाम देने का हुक्म हुआ, उसमें से 2 तन मुस्लिम थे, 10 तन हिंदू थे। तो 12 जो तन थे, आज के वक्त के हालात नहीं थे जैसा आजकल तासुबी माहौल है, एक दूसरे मजहब को और उसके पैरोकारों को शक और शुबा की निगाह से देखा जाता है। हिंदुओं के लिए जो अहले इस्लाम हैं, जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन वो वास्तव में मुसलमान नहीं हैं, तो अहले वतन दोनों हैं, चाहे हिंदू मजहब के पैरोकार हैं या मुस्लिम या अहले इस्लाम हैं जो खुद को मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन कुरान से कोसों दूर हैं। शरा को ही उन्होंने दीन समझ लिया है। शरीयत का अर्थ होता है नियम, नियम के अधीन सिर्फ कोई सिस्टम बनाया जा सकता है, उस पर चला जा सकता है, लेकिन शरा जो है, जो शराए मोहम्मदी है, उस पर भी अगर कोई सच्चे दिल से अमल करे तो आप पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि मैं उसको जन्नत अल फिरदोश अता करवाऊंगा। तो दुनिया फानी के बाद 8 हिस्सों में कायम और दायम होगी, जिसमें से एक हिस्सा आप रिसालत माब ने फरमाया कि मैं अपने पैरोकार को, यानी कि जो मेरे पैरोकार हैं, मैं उनको जन्नत अता करवाऊंगा अगर वो तहे दिल से शरीयत पर अमल करेंगे। तहे दिल का मतलब क्या है? सच्चे दिल से, जैसे हम कहते ना, कहनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन। तो रहनी और कहनी, यानी कि मुंह से जो कहा तो वो कहा, अगर उस पर अमल ना किया तो वो रहनी में ना रहा। इसीलिए जो 12 मोमिन थे, जब उन 12 मोमिनों पर कसाला हुआ तो इसके बारे में लोगों में इत्तफाक आम ये है कि मोमिनों को कसाला दिया गया। कोई कहता है कि उनको हैंटर मारे गए, कोई कहता है कि उनको सख्ती की गई। तो उसमें
चौपाई बीतक में आती है। बीतक करने वाले भी और सुनने वाले भी दोनों ही जानते हैं कि दिया कसाला गुम। गुम का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे। कसाला का मतलब होता है तकलीफ। तो तकलीफ हैंटर मारने का कहीं उसमें वाकया नहीं आता है। ये अपनी बात को दमदार बनाने के लिए या लोगों का ध्यान अपनी ओर मुतवज्जे करने के लिए मुफस्सरीन यानी के चर्चा करने वाले अपने भाव के आधार पर चर्चा कर जाते हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होता। क्योंकि कसाला किसी भी भाषा की जबान में, किसी भी मजहब की जबान में कसाले का मतलब हंटर नहीं होता है। तो आप समाज में ये भ्रांति पाई जाती है कि मोमिनों पर हंटर मारे गए। हंटर कहो, चाबुक कहो, कोड़ा कहो, वो किसी भी भाषा में उसको कसाला नहीं कहा जाता। तो हुआ क्या था कि 12 मोमिनों को जब पैगाम देने के लिए कहा गया और वो पैगाम पहुंचाने में अपने मकसद में कासिर रहे यानी कि असमर्थ रहे, तब उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सनद की चौपाइयां गाई। जब सनद की चौपाइयां गाई तो मस्जिद का जो मुअज्जिन था यानी कि अजान देने वाला जो था वो आया और उसने इमाम से मुलाकात कराई जो मस्जिद में पेश इमाम था। पेश इमाम कहा जाता है नमाज पढ़ाने वाले को। तो पेश इमाम ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हो? कहा कि हम दीन इस्लाम के आशिक हैं और बादशाह से ही मुलाकात करना चाहते हैं। तो शरा की हुकूमत में बादशाह से मिलना एक दुश्वर काम था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुलाकात अभी कराए देता हूँ। तो वो उनको लेकर लाल किले के अंदर, दो हिस्से हैं आज भी जो लोग सैर और तफरी के लिए जाते हैं लाल किला देखने, तो उन्होंने देखा होगा कि उसके अंदर दो हिस्सों में है, एक दीवाने आम है, एक दीवाने खास है। तो दीवाने आम पब्लिक के लिए होता है और दीवाने खास जिसमें बादशाह और उसकी बेगमें और उसका खानदान रहता है। तो जब पेश इमाम ने जाके बादशाह से दरियाफ्त की कि आपसे मोमिन मिलने आए हैं, तो वो मोमिन आपसे ही मुलाकात करना चाहते हैं, तो बादशाह, बीतक में जिक्र आता है, दीवाने खास से दीवाने आम में आया और जो उसने अपने हाथ में असा लिया था उस असा पर दबाव देके खड़ा होता है, दोनों हाथ से असा यानी कि छड़ी को पकड़ते हुए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मर्तबा आसमान की ओर नज़र उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है तमाम तारीफ उस परवरदिगार की। अब जैसे आम इंसान कोई काम करता है तो वो क्या कहता है कि मैं ये अमुक काम कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई मुस्लिम काम करेगा तो वो काम अगर उससे कहा जाएगा कि आप ये काम कर दीजिए तो वो कहेगा कि इंशाअल्लाह मैं काम कर दूंगा। तो इंशा का मतलब क्या होता है? अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन जब उसने बादशाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि तमाम तारीफ उस अल्लाह की जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया और ये दुनिया का निजाम बनाया। तो कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो मोमिनों ने कहा कि हम दीन इस्लाम के आशिक हैं और दीन चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने दीन की बात करनी चाही तो मोमिनों ने जोश और खरोश और बलबले के साथ चौपाई पढ़ी तो बादशाह और उसके दरबारी कांपने लगे। तो शेखुल इस्लाम कहता है कि बादशाह सलामत, आपने हमें इस काम के लिए रखा है, हम इनकी बात सुनेंगे और जो भी इसका लब्बो लुबाब निकलेगा यानी नतीजा निकलेगा वो आपको हम बयान कर देंगे। तब बादशाह
इशारा करता है सिद्दी फौलाद को कि ऐ सिद्दीक फौलाद, इशारा किया तो बादशाह के इशारे से सिद्दीक फौलाद आया और मोमिनों को अपने साथ ले जाकर नज़रबंद कर दिया। जामुल मार्फत किताब में बिल्कुल साफ लिखा है कि 8 महीने मोमिन मुकैद रहे। मुकैद का मतलब होता है कैद में रहना, नज़रबंद होना। तो 8 महीने जो उन्होंने कष्ट सहे, कसाले सहे, तो कसाले किस तरह के होते हैं कि जैसे शेखुल इस्लाम मोमिनों से पूछता है कि ऐ मोमिनों, तुम अपने आप को मोमिन होने का दावा करते हो, अहले इस्लाम होने का दावा करते हो, लेकिन 8 महीने हो गए आप हमारे यहाँ नज़रबंदी है, तो इन 8 महीनों में हमने आपको एक भी मर्तबा नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो जो मोमिन होगा वो तो नमाज कजा ही नहीं कर सकता, तो आप कैसे मोमिन हैं जो नमाज ही नहीं अदा करते। तब मोमिनों ने जवाब दिया कि हमारी नमाज कभी भी कजा नहीं होती, और जब हमारी नमाज कजा नहीं होती तो हम जो इलाही बातें करते हैं वही हमारी नमाज है, हमारा खाना पीना सब नमाज है, हम एक पल भी नमाज से गाफिल नहीं हैं। नमाज का क्या मतलब है? कुरान में ये लफ्ज़ कहीं नहीं आया, कुरान में नमाज लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी का शब्द है, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, और कुरान के अंदर नमाज के लिए सलात शब्द इस्तेमाल आया कि सलात कायम करो, यानी कि नमाज कायम करो। अब अगर देखा जाए तो नमाज तो अजाजील ने भी पढ़ी, और उसने जैसी नमाज पढ़ी ऐसी तो किसी ने भी ना पढ़ी। अर्श के कोने कोने में एक एक कोने पर उसके सजदों के निशान हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जन्नत से निकाला गया और जलील और ख्वार हुआ, यानी कि बदनामी हुई। इसीलिए जब कुरान पढ़ा जाता है तो सबसे पहले जुमला कहा जाता है आउज़ुन बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम, ए शैतान मर्दूद तो यहाँ से दूर हो, हम अल्लाह की इबादत करना शुरू करते हैं। तो जिस शख्स ने इतनी नमाजें पढ़ी और उसके बावजूद भी वो जन्नत से निकाल दिया गया, तो यहाँ का जो इंसान है वो कितनी नमाजें पढ़ेगा, और उसकी क्या गारंटी है कि उसकी नमाज कबूल होगी। तब मोमिनों ने सवाल किया कि भाई दूसरा पारा सूरह मरियम का जो 16वां पारा है उसके दूसरे रुकू में बयां है कि जो सुन्नी मुसलमान है उसकी नमाजें कबूल नहीं है। अब सुन्नी मुसलमानों का मतलब क्या है? तफसीर में बयान आया, तफसीर हुसैनी में जिक्र आया कि जो सुन्नी है, सुन्नी का मतलब जो परंपरा पे चलता है, अपने आप को अहले सुन्नत होने का दावा करता है, उसकी नमाजें कबूल नहीं है। अब कौन सी नमाजें कबूल नहीं है वो उसमें जिक्र नहीं। तब अगर इंसान हकीकत से गाफिल रहे, यानी कि हकीकत को ना जाने, सच्चाई को ना जाने, अब वो नमाज की नियत तो कर रहा है कि अल्लाह अकबर, लेकिन जहन उसका कहाँ है, दिमाग कहाँ है, घर में, परिवार में, दुकान में, बच्चों में, कारोबार में, तो ऐसी नमाज कबूल नहीं है। इसीलिए कहा है कि नमाज वही कबूल है जिसमें तकवा है। तकवा का मतलब होता है परहेजगारी, यानी कि संयम, और तकवा आता है शर्म से, और शर्म आती है हया से। अब हया किसको कहते हैं? हया कहते हैं कि इंसान की जो आँखें हैं वो हया का पैमाना है, कि निगाह ऊंची की तो क्या हुआ, रहमत बन गई, निगाह नीची की तो अदा बन गई, और निगाह टेढ़ी की तो क्या हुआ, कजा बन गई। भाई बादशाह या हाकिम में वक्त है, अगर वो निगाह टेढ़ी कर ले तो उसको क्या कहते हैं कि भाई कजा हो गया, यानी कि बादशाह गुस्सा हो गया। अगर कोई निगाह नीची करके रहता है तो कहा जाता है कि बड़ा दीनदार है। अगर कोई औरत निगाह नीची करके रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, बड़ी एहतराम वाली है और पाकीजा दामन है। और अगर कोई औरत निगाह लोगों से मिलाती हुई चलती है तो उसको क्या कहा जाता है, बद किरदार है।
तो ये निगाह का ऐसा पर्दा है कि लोगों ने उसको तो ना समझा, जब उसको ना समझा तो ईमान से भी गाफिल रहे और दीन से भी गाफिल रहे। पैगंबर ने फरमाया कि अली दीन, हुसैन ईमान। अली को भी मस्जिद में कत्ल कर दिया, हुसैन को भी कत्ल कर दिया, तो मुसलमानों ने अपने ही पैगंबर के दामाद को कत्ल कर दिया, अपने ही पैगंबर के नवासे को 60 साल के बाद ही कत्ल कर दिया। तो जब दीन भी नहीं रहा, ईमान भी नहीं रहा, तो अब क्या रहा? तो सनद में चौपाई आती है, जिमी हुई दाभा, कि जैसी पहले जमीन थी। दाभा, दाभा का मतलब क्या होता है? कुरान की आयत है, दाबतुल मिनल अर्ज। तो दाबतुल मिनल अर्ज का मतलब होता है ऐसा जानवर जो जमीन के एक खित्ते से दूसरे खित्ते में पाया जाए। तो जिसकी निशानी भी बताई है कि उसके सिर पे सींग होंगे, गर्दन मुर्ग की होगी, आँख खिंजीर की होगी, छाती शेर की होगी और पीठ गिधड़ की होगी, और बाकी जो धड़ होगा वो इंसान का होगा, और ऐसा बशर एक खित्ते से दूसरे खित्ते में पाया जाएगा, यानी कि जमीन के एक कोने से दूसरे कोने में पाया जाएगा। आज इंसान में ये फितरत है कि वो जब भी किसी पर आंख उठा के देखेगा तो गलत ही देखेगा, और अपनी गर्दन को मुर्ग की तरह अकड़ के रखेगा, अपनी छाती में रहम नहीं रखेगा, अपनी पीठ पर मजहब का धर्म का बोझ कोई नहीं उठाएगा, और अपने दिमाग को दूसरों को परेशान करने में लगाएगा। आज लोग एक तो अपने दुखों से दुखी हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो दूसरे के सुखों से दुखी हैं कि उसको भी अपने जैसा कैसे करें। तो इसीलिए कहा गया है कि इंसान की फितरत ऐसी होगी कि उसके सिर पर सींग होंगे, कि जब तक जानवर चारा चरता है तो चारा गर्दन झुका के चखेगा, जैसे ही चारा से उसका पेट भर जाएगा तो वो नांद पर अपने सींग को रगड़ता है। तो ऐसे ही इंसान अपनी फितरत से अड़ोस पड़ोस में देखता है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कि पड़ोस के यहाँ क्या हो रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, उसकी बीवी कहाँ गई है, उसका भाई क्या कर रहा है, इन्हीं सब चीज़ों में अपनी सींग को घुसाए रखता है। नतीजा क्या है कि जो वक्त उसको चाहिए था इबादत करे, रब को याद करे, चितवन करे, वो तो करेगा नहीं, आलतू फालतू उल फजूल कामों में अपनी ताकत को जाया करेगा। तो जब काजी शेखुल इस्लाम ने मोमिनों से ये सब बातें समझ ली, तब मोमिनों ने कहा कि आपने हमें जो तकलीफें दी, ये बताइए कि कुरान के किस पारे में, किस सूरे में और किस आयत में ये लिखा है कि जो अहले इस्लाम हो जाए, कुरान पर ईमान ले आए, पैगंबर इस्लाम को अपना रहबर माने और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा दिन में पढ़े और उस पर अमल करे, तो उसको आप कसाला दो। अब कसाले का मतलब तकलीफ देना कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, भाई पढ़े ना पढ़े आपको क्या मतलब। भाई हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेवार है, यानी कि अपने कर्म का फल उसको मिलेगा। कुरान कहता है कि रोजे महशर में हर मोमिन के हाथ में अमाल नामा होगा। ये तो नहीं है कि भाई मेरा अमाल आपके हाथ में होगा और आपका अमाल मेरे हाथ में होगा। अमाल के मतलब क्या होते हैं? कर्म पत्र, कि मैंने जो जो दुनिया में कर्म किए हैं वो एक सुपर कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहे हैं, और रोजे महशर को जब 40 सफ़े लगेंगी और उस लाइनों में जब लोग खड़े होंगे तो हर किसी के हाथ में उसका अमाल नामा होगा, यानी कि कर्म फल होगा। अब ये नहीं हो सकता कि अमुक का काम अमाल नामा दूसरे के हाथ में और फलाने का अमाल नामा दूसरे के हाथ में। तो जिसने जैसा कर्म किया होगा उसके हाथ में उसका ही कर्म फल पकड़ाया जाएगा, वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है कि भाई किसी का नाम रामलाल है और किसी का नाम रहीम है, तो रहीम का अमाल नामा रामलाल को पकड़ा दिया जाए और रामलाल का अमाल नामा रहीम खान को पकड़ा दिया जाए। तो वहाँ इन गलतियों की गुंजाइश नहीं है। तब काजी बड़ा शर्मिंदा हुआ और बादशाह से उसने कहा कि मैंने हर तरह से इन मोमिनों को अजमाया,
लेकिन ये मोमिन तो हैं लेकिन ये शरीयत के पाबंद नहीं। कुरान जो कहता है कि आखरत में बेसिर के मोमिन होंगे तो ये वो तो हैं लेकिन ये शरा और तोरा की पाबंदी नहीं करते, दिन में 5 बार लोटा उठा के नमाज के लिए मस्जिद की तरफ नहीं भागते और रमजान में रोजे भी नहीं रखते, जकात भी नहीं देते और हज को भी नहीं मानते और कलमा भी नहीं पढ़ते, कुरान भी नहीं सुनते ना सुनाते। अब हम तो हाफिज़े कुरान हैं लेकिन इनमें कोई भी हाफिज़े कुरान नहीं है, लिहाजा हमने हर तरह से तसल्ली की लेकिन इनको शरा का पाबंद नहीं पाया। तब बादशाह कहता है कि ए मोमिनो, आप कुछ मुझसे चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम तन्हाई में बात करना चाहते हैं। तो बादशाह तो उसके लिए तैयार था लेकिन उसके उमरा और वजीर यानी के दरबारी तैयार नहीं थे। उनको ये खौफ था कि बादशाह ने अगर लब्बैक कह दिया यानी कि मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ ये कह दिया तो क्या होगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अभी भी अगर कोई भी बात अपने उसूल के खिलाफ हो जाए, एक तो उसूल वो है जो कुरान कहता है, एक उसूल वो है जो मुल्ला जी कहते हैं, कुरान कुछ और कहता है मुल्ला जी कुछ और करते हैं, अगर जरा सी भी बात इधर उधर हो जाए तो तुरंत फतवा हो जाता है कि भाई इस्लाम खतरे में आ गया। अब जहां ये सुनना था नहीं, लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, जिहाद, कि भाई अल्लाह अकबर अब जिहाद का वक्त आ गया है, सारे मोमिन कमर बांध लें और सिर पर कफन बांध लें, जिहाद का वक्त है क्योंकि इस्लाम खतरे में है। अब जब इस्लाम खतरे का नाम सुनते हैं तो सब कुछ छोड़ के वो धर्म के ऊपर मर मिटने को तैयार रहते हैं। तब बादशाह कहता है कि भाई मुझसे तो कुछ चाहोगे? कहते जी हम तो कुछ नहीं चाहते, बस आपसे बात करना चाहते हैं। अब जब बात ना हुई तो बादशाह क्या कहता है कि इनको 100 रुपया खर्च दे दो और जहां से ये जाना चाहते हैं वहां इनकी सवारी का इंतजाम करके इनको पहुंचा दो। तब प्राणनाथ जी के पास मोमिन पैगाम भिजवाते हैं कि आपने जो पैगाम दिया था आपका पैगाम बादशाह सलामत तक पहुंच गया और बादशाह आपसे तन्हाई में बात करना चाहता है। जैसे ही ये पता चला, लेकिन इस 8 महीने के अंदर हमें बड़ी तकलीफें हुई, कभी हमें बड़े तरह से सताया गया, कभी हमें कटु वचन कहे गए, कभी हमारे ऊपर कसनी कसी गई, लेकिन हर हम इम्तिहान में पास होकर पैगाम वहां तक पहुंचाने में कामयाब रहे और अब बादशाह का दिल आपकी तरफ से नर्म है और वह उसने हमें गुप्त रूप से पैगाम भिजवाया है कि मैं आपके इमाम से मुलाकात करना चाहता हूं। अब कोई कहेगा जी ये तो अपनी मनगढ़ंत की चर्चा है, ये कहां लिखा है? तो भाई क़यामत नामे में प्रकरण आता है 3 सिपारे बड़ा जहूर, इमाम सुल्तान का मजकूर, दुआ सफ की था खड़ा, कुतुब अंबिया ओलियाओं का सरदार। तो कौन था? औरंगजेब। अब बादशाह औरंगजेब ने 52 साल हुकूमत की जिसमें से 25 साल उसकी हुकूमत सख्त वहाबी तर्ज अमल पे थी। तर्ज अमल कहते हैं नियम पद्धति को, जैसे आज अफगानिस्तान में हो रहा है, क्या बन गया, इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान। तो सबसे पहला क्या काम हुआ कि औरतों का घर से निकलना बंद, औरतें ना काम कर सकती हैं ना बिना महरम के जा सकती हैं। कुरान कहता है कि मोमिन एक हैं और
मुल्ला की शरीयत क्या कहती है कि मोमिन अलग है और मोमनात अलग है, कि जो मोमिन आदमी है उसको तमाम अख्तियार हैं, मोमिन औरत को अख्तियार नहीं है। यहाँ तक कि अगर औरत बाजार भी जाना चाहे तो बिना महरम के ना जाए, महरम का मतलब अपने घर के किसी मर्द आदमी के बिना बाजार भी ना जाए, और नकाब ओढ़ के चले। कुरान कहता है कि ऐ मोहम्मद अपने घर की औरतों को कहो कि पर्दे के लिए चादर ओढ़ लें। मुल्ला की शरीयत कहती है कि नकाब किसको कहते हैं, ऊपर से नीचे तक बंद गोभी की तरह बुरका पहन लें। तो कुरान कुछ और कहता है, मुसलमान कुछ और करता है। तो जब ये वाद विवाद बढ़ता गया तो काजी ने इशारा किया, तो जैसे ही इशारा किया तैसे ही श्री जी का पैगाम जो मोमिनों ने श्री जी को भेजा था, तो उन्होंने उनको पैगाम भेजा कि तुम वहां से निकल आओ, क्योंकि अब हाकिमों की निगाह टेढ़ी हो गई है। भाई जब तक उनके पास सवाल जवाब थे तब तक तो सवाल जवाब चलते रहे, अब जब सवाल जवाब खत्म हो गए और देखा कि हमारे किसी भी फंदे में ये नहीं फंस रहे, कि हमने हर तरह से इनको आजमा लिया और ये हर फंदे से निकल गए, तो अब इनको कत्ल कर दें। जो कुरान कहता है 107 नंबर आयत, और तुमने नबियों को कत्ल किया। अब नबियों को कत्ल करने का मतलब क्या है कि अब वो हमारी बात नहीं मानते। भाई एक तो हम धर्म की बात सुनाएं तो धर्म पे चलाएं, अब अगर हम अपने धर्म के अनुसार आचरण ना करें, हमारे हिसाब से ना चलें, तो समाज वाले क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे धर्म के विपरीत है, ये हमारे धर्म का विरोधी है, तो इसको क्या करो, चुप करा दो। चुप कराने का मतलब क्या है, मार दो। भाई जब तुम कत्लो गारत करोगे तो इसीलिए कुरान कहता है हमने इनकी आँख पर, इनके कान पर, इनके मोहर मुंह पर मोहर लगा दी है। मोहर का मतलब क्या है, ना आँख से देखते हैं अंधे हैं, कान से सुनते हैं बहरे हैं, मुंह से बोलते हैं गूंगे हैं, यानी कि ये दीन की कोई भी बात समझते नहीं। जब दीन की कोई बात समझते नहीं तो अब ऐ मोमिनो तुम पर जो फर्ज था कि पैगाम पहुंचाना, मोमिनों पे फर्ज क्या था, पैगाम पहुंचाना, मनवाना तो नहीं था भाई, मनवाना ना मनवाना तो राज्य का काम है, मोमिनों का काम पैगाम देना था। तब श्री जी ने ये छोटी पत्री सनद की लिखी। सनद का मतलब क्या होता है, प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट। तो इसमें जो लिखा वो क्या कहते हैं कि प्रीतम मेरे प्राण के, यानी कि श्री जी सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं कि हमारा और आपका परम धाम का संबंध है, आपने हक को जाहिर करने के लिए जो कसनी कसी, जो कसाले सहे, उस पर मैं आफरीन हूँ, आप साधुवाद हैं, यानी कि धन्य है कि आपने इस जालिम हुकुमरानों का सिर नीचा किया। तब क्या कहते हैं कि अब तुम पर फर्ज है कि तुम वापस आ जाओ। तब वो मोमिन वहां से निकले तो बादशाह औरंगजेब उन्हें 100 रुपया रास्ते के लिए खर्च देता है और उनके लिए दुआ करता है, क्योंकि औरंगजेब को क्या माना जाता था, जब भी वह किसी काम को करता था तो उसको जिंदा वली कहा जाता था। जिंदा वली उसको कहा जाता है जिसकी दुआओं में असर हो। उसकी फौज जब किसी मुल्क पे हमला करती थी तो वो तब तक हमला नहीं करती थी जब तक कि औरंगजेब फौज का परचम लेकर उस पर दुआ पढ़कर 3 बार फूंक ना मार दे। अभी भी बड़े बड़े लोग हैं जो पीरो फकीरों के यहाँ फूके मरवाने जाते हैं, जी ओपरा आ गया, भूत चिमड़ गया, तो वो भूत
जहाँ ये कलाम रब्बानी है वहाँ भूत प्रेत नहीं आता, भूत प्रेत तो उससे कोसों दूर रहता है। तो जो जाहिल लोग हैं उनको भूत चिमड़ता है। भूत कैसे चिमड़ता है? गंदगी रहे, नहाओ धो ना, हक को कभी याद करो ना, तो क्या होगा कि जी इसको तो भूत चिमड़ गया। अभी कल परसों ही खबर आई कि भाई एक बच्ची किसी की गुजर गई, पड़ोस में एक औरत थी वो बीमार हो गई, तो उसने दूसरे पड़ोसी का जाके सिर फोड़ दिया कि भाई तुम्हारी बेटी जो मर गई थी वो हमारी बहू के ऊपर भूत बन के आती है। अब ऐसी हालत में क्या करेंगे? मौलवी साहब फूंक मारेंगे, ले आओ जी हम झाड़ देते हैं, भूत उतर जाएगा। तो श्री जी ने कहा कि भाई ये मोमिनो, तुमने जो लोगों को संदेश देना था कुरान को, जिन्होंने भूत उतारने का मंत्र समझ लिया है। मुसलमानों के लिए कुरान क्या है? सिर्फ रमजान के महीने में 30 दिन कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद 11 दिन, 11 महीने साल के, एक महीने को छोड़ के 11 महीने कुरान लपेट के ताक पे रख देते हैं। ताक समझते हैं? यानी कि अलमारी के या दीवार के कोने पे जो लकड़ी का ताक बनाया जाता था उस पे रख दिया, जिसको कहा जाता है बलाए ताक पे रख देना, कि कुरान 11 महीने उस पे पढ़ा रहा, बस रमजान के महीने में याद आएगा। क्या 11 महीने याद नहीं आता? तो 11 महीने क्या काम करेंगे? लाओ जी इसके भूत चिमड़ गया, इस पे फूंक मारो, फू, इसके भूत चिमड़ गया, इसको उतारो। तो कुरान को क्या समझा? भूत उतारने का मंत्र समझ लिया कि इसकी जो आयतें हैं वो भूत उतारने की आयतें हैं। तो कुरान क्या इसलिए दुनिया में आया था कि लोगों के भूत प्रेत उतारता फिरे? तो कुरान कलाम रब्बानी है, वो लोगों को हिदायत देने के लिए आया। कुरान कहता है ला इकरा फिद्दीनी, के दीन में जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती किसी भी तरह की नहीं, चाहे तो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी के भी ऊपर किसी किस्म की धर्म पर दबाव अनुचित है। क्योंकि कुरान क्या कहता है? अल्लदीना, के तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन, के ऐ लोगों तुम्हें तो तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। तो जब इतनी ऊंची बात है तो अब मुल्ला जी किसकी तबलीग करने जाते हैं? 40-40 दिन लोटा और बिस्तर बांध कर जमात लगाने जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम तो जी जमात में चिल्ला लगाने जा रहे हैं। भाई चिल्ला तो लगाने जा रहे हो, पीछे 40 दिन बीवी बच्चे क्या फाका करेंगे? वो कहाँ जमात लगाने जाएंगे? अब क्या है भाई, खुद तो नमाज पढ़ते नहीं, दूसरों को पड़ोस के गांव में, पड़ोस के शहर में, कहाँ मद्रास की जमात आ रही है, पंजाब पंजाब की जमात जा रही है, यूपी यूपी की जमात जा रही है, असम असम की जमात जा रही है, बिहार, एक दूसरे की जबान तो समझते नहीं। चलो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जमात जाती थी तो क्या होता था कि भाई कुरान पढ़ते थे, अब क्या पढ़ते हैं? कुरान भी नहीं पढ़ते। मुल्ला जी की लिखी हुई किताब फजाइले आमाल पढ़ते हैं। किसकी? मुल्ला यानी के अशरफ अली थानवी की किताब लिखी हुई, जिसको क्या कहते हैं, रहमतुल्ला अले, उसकी लिखी हुई किताब पढ़ते हैं। वो पढ़ के आ जाते हैं 40 दिन, मस्जिद में ही खाएंगे, मस्जिद में ही सोएंगे, मस्जिद में ही सारे काम करेंगे, और अड़ोस पड़ोस में कहीं जाएंगे नहीं, घर में खुद नमाज पढ़ेंगे नहीं, और दूसरों को कहेंगे भाई नमाज कायम करो। कि कौन आए हैं? जमात वाले आए हैं। तो पुराने, अब जमात कितनी पुरानी है? अभी 100 साल भी नहीं हुए, 1925 में जमात शुरू हुई, तो अभी कितना चल रहा है, 2021, तो अभी तो भाई 100 साल भी पूरे नहीं हुए। किसी से पूछो भाई जमात कब से चल रही है? अजी अल्लाह के रसूल के ज़माने से चल रही। क्यों भाई? कुरान में तो कहीं लिखा होगा कि अल्लाह के रसूल फलाने मुल्क में जमात लेके गए, फलाने शहर में लेके गए, वहाँ तो कहीं नहीं लिखा। ये जो जमात चल रही, जो तुम चला रहे है, ये किसने चलाई? ये मौलाना इलियास कांधलवी थे, उन्होंने ये मेवात में
मुंशी श्रद्धानंद, जिनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से आर्य समाज जानता है, उन्होंने शुद्धिकरण लहर चलाई कि जो भी कोई मुसलमान बन गया है हिंदू से, या ईसाई बन गया है, या और किसी दूसरे धर्म में चला गया है, अगर वो चाहे तो अपने मूल धर्म में वापस आ जाए। तो एक ही दिन में मेवात में 1,00,000 राजपूत, रांगड़, मुसलमान आर्य समाजी हो गए। तब मुल्ला जी की दाढ़ी हिलने लगी और उन्होंने जमात तबलीग के जमात की शुरुआत की। अब मुल्ला जी चले गए, जो वो बता गए कि भाई नमाज पढ़ो, बस पढ़ो। कैसे पढ़ो ये तो खुद उन्हें नहीं पता, क्योंकि शिया अलग तरीके से नमाज पढ़ता है, सुन्नी अलग तरीके से नमाज पढ़ता है, वहाँ भी अलग तरीके से नमाज पढ़ता है। फिर क्या कहते हैं, शरीयत पे अमल करो। शरीयत का अमल कैसे करें? एक कहता है सीने पे हाथ बांधो, वहाँ भी। दूसरा कहता है नाफ पे हाथ बांधो, अहले सुन्नत। तीसरा कहता है हाथ खोल के नमाज पढ़ो, वो शिया भी कहता है और मालिकी भी कहता है। तो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, वो कहता है वो काफिर, शिया कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर, वहाबी कहता है देवबंदी काफिर, देवबंदी कहता है बरेलवी काफिर। हालात तो यहाँ तक हैं। अगर आप कभी बुंदेलखंड में जाएं तो पन्ना में तो आप अक्सर गए ही होंगे, तो धाम मोहल्ले में जो मस्जिद है उसके बाहर तख्ती लगी है कि इस मस्जिद के अंदर देवबंदी अहले हदीस वहाबी का आना सख्त मना है। क्यों भाई? अल्लाह के रसूल ने तो अपनी मस्जिद नबवी में ईसाइयों को, यहूदियों को अपनी इबादत करने की इजाज़त दे दी, लेकिन आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले सुबह की निगाह से देखता है, कहीं ये वहाबी तो नहीं, बरेलवी तो नहीं, देवबंदी तो नहीं, तबलीगी तो नहीं, जमात इस्लामी तो नहीं, अहले हदीस तो नहीं। भाई तुम उससे पहले ये तो पूछो कि तुम इंसान हो कि नहीं हो। इंसानियत तो रही ताक पे। लोगों को क्या समझ आया कि हम जो कर रहे हैं वही दीन है, दीन कुछ और है और कर इंसान कुछ और रहा है। इसीलिए हदीस में आया है कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो वो दीन को ताजा करेंगे। ताजा करने का मुराद क्या है कि भाई जो चीज़ बासी हो जाती है उसी को तो ताज़ा किया जाता है। भाई दीन में खराबी पैदा हो गई, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कह रहा है, और जब गुजर जाते हैं एक का जनाजा दूसरा उठाता है तो क्या काफिर का जनाजा काफिर उठा रहा है? दूसरी बात, कुरान पे हम चलते नहीं। कुरान कहता है कि 1,000 साल का वायदा है, हम क्या कहते हैं कि कयामत तो अभी दूर है, अभी तो कोसों दूर है। यही मोमिनों ने जब कयामत और इमामत का पैगाम दिया तो बादशाह को पैगाम पहुंचने ना दिया, और काजियों ने क्या कहा कि कयामत तो हुजूर अभी बहुत दूर है, अभी तो हमारे बाल बच्चे छोटे हैं, अभी हमें अपनी बच्चियों की शादी करनी है, अभी हमें अपना कारोबार बढ़ाना है, अभी हमें अपने महल बनाने हैं, तब हम कयामत की बात देखेंगे। तो वो जब मोमिनों से हार गए तब मोमिनों वापस श्री जी के पास पहुँचे, तो ये जो चिट्ठी उनको पहुँची थी ये चिट्ठी, उसी को कहा गया है सनद। का मतलब होता है सनद, जो प्रमाण पत्र है जो उन्होंने लिखा, वो एक एक हरूफ इसमें सच है। आप सभी लोगों ने अक्सर और पेशतर बीतक में इसको सुना होगा। तो इसमें एक चौपाई आती है कि जब श्री जी ने दस्तखत किए, औरंगजेब को चिट्ठी लिख के भेजी, तो क्या लिख के भेजा, अपनी मोहर लगाई, तो इसमें चौपाई आती है, कौन सी है जी? महमद हुआ मेहंदी, सैयद कहलाया सही,
किताबे दिया जब खास में तब बेली इमाम भाई। जब श्री जी ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी और मोमिनों को चिट्ठी लिखी, दो चिट्ठियां लिखी, एक सनद मोमिनों को लिखी पत्री और एक औरंगजेब को लिखी। औरंगजेब को जो लिखी उसको कहते हैं जामाउल मारिफत और मोमिनों को जो लिखी उसको कहते हैं सनद पत्री की। तो इसमें क्या कहते हैं, मोहम्मद हुआ मेहदी कि जब श्री जी ने चिट्ठी पर साइन किए तो उन्होंने नीचे क्या लिखा कि फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम कि मैं वही मोहम्मद हूं, आखिरी मोहम्मद हूं जिसको कुरान कहता है अव्वल तो मोहम्मद, अव्वल तो मोहम्मद और आखिर तो मोहम्मद, कि जो मोहम्मद शुरू में है वही आखिर में है। शुरू में क्या है, बसरी सूरत। बसरी सूरत किसकी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी। आखिरी सूरत किसकी है, मोहम्मद अल महदी। तो मोहम्मद हुआ महदी, कौन सा मोहम्मद महदी हुआ, वो आखिरी मोहम्मद। यहाँ पे किसको कहा, प्राणनाथ जी को, जो अपनी मोहर अंगूठी में रखते थे और औरंगजेब की चिट्ठियों पर जो लगाते थे उसमें ये लफ्ज आया फकीर सैयद मोहम्मद अल महदी। महदी का मतलब क्या है, रास्ता बताने वाला। मोहम्मद का मतलब क्या है, प्रशंसित। तो जब उन्होंने ये चिट्ठी पे मोहर लगाई तो ये मोहम्मद अल महदी कौन थे, ये अहले तशय्यद के एक इमाम हुए जिनका नाम इमाम मोहम्मद महदी था। तो श्री जी को जब उन्होंने दर्शन दिया और उनको साक्षात्कार दिया तो अपना नाम और अपनी मोहर उनको दिया। तो जब अपनी नाम और मोहर दिया तो चिट्ठी में क्या लिखते हैं श्री जी, कि मोमिनो तुम हड़बड़ाओ मत, हक करत अपना काम, कि राज्य अपना काम खुद करेंगे। अब जब चिट्ठी पर अगर प्राणनाथ जी लिख देते कि भाई मैं चिट्ठी लिखने वाला कौन हूँ, प्राणनाथ, अब हमारे यहाँ क्या है भाई, महाराज ने चर्चा तो बड़ी सुनाई पर हाथी घोड़ा पालकी तो करी नहीं। दूसरे क्या कहते हैं भाई, यहाँ चर्चा करनी है तो प्राणनाथ प्यारे की जय कहनी पड़ेगी। भाई जय कहने से अगर जागनी हो जाती है तो दिन रात जयकारे लगाते रहें। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा कि मैं वही मोहम्मद हूँ जो अव्वल में आया था और मैं वही मोहम्मद हूँ जो अब आखिर में आया हूँ। तो अब क्या कहते हैं कि मैं वही मोहम्मद हूँ जो आखिर में आया हूँ, जो शुरू में आया था। तो इसीलिए मेरा जो लकब है क्या है कि मोहम्मद अल महदी अजल अल्लाह ताला फरजहू अल शरीफ। कुरान कहता है कि भाई रोजे महशर को तुम अल्लाह का दीदार करोगे। अब दीदार कैसे करोगे, अल्लाह नूरुल अना नूर है, यानी कि नूर के भी ऊपर नूर है। अब दुनिया क्या है, फानी है, फानी के अंदर नूर नहीं आ सकता, यानी कि मृत्यु लोक के अंदर नूर नहीं आ सकता। अब जैसे सूरज है वो आसमान में कोसों दूर है, लाखों मील दूर है, अब यहां जो आ रहा है उसका प्रकाश आ रहा है, तो वो नूर का ऐसे ही जहूर यहां पे आया तो किसके रूप में दर्शन होगा, इमाम महदी के रूप में लोगों को परवरदिगार के नूर का दीदार होगा। तो ये इसीलिए कहा गया कि मोहम्मद हुआ महदी।